CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम चैती, जो राग खमाच पर आधारित है। चैती यह उपशास्त्रीय संगीत की शैली है। यह उत्तर प्रदेश के लोक संगीत से उदित हुई है, जो कि चैत माह पर आधारित है। इसमें उपशास्त्रीय बंदिशें गाई जाती हैं। चैत्र के महीने में गाई जाने वाली इस शैली की बंदिशों के विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं। चैत्र श्री राम के जन्म का भी मास है, इसलिए राम का बाल्यकाल भी प्रायः इन बंदिशों का विषय होता है। ये अक्सर राग भैरवी, पीलू, देस और खमाज आदि रागों में बंधी होती है। ताल मुख्यतः दादरा और कहरवा होती है। ताल कहरवा क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल कहरवा, कहरवा ताल में चार मात्राएं होती हैं। विभाग दो, ताली एक पर और खाली तीन पर। इसके बोल हैं धागे नाती नक धिन। अब आप कहरवा ताल को तबले पर सुनिए। कुछ विद्वान इसे आठ मात्राओं का मानते हैं, इसलिए इसमें चार विभाग, ताली तीन यानी कि पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, सातवीं मात्रा पर और खाली पांचवी मात्रा पर मानते हैं। बोल वही हैं धागे नाती नक धिन। अब आप ताल कहरवा का ठेका तीन चार आवर्तियों में तबले पर सुनिए। राग मिश्र खमाज पर आधारित चैती सुनने से पहले आइए राग खमाज को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग खमाज खमाज थाट का राग है। इसके आरोह में रे वर्जित स्वर है। इसके आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लगता है। इसकी जाति षाढ़व संपूर्ण है। राग खमाज का वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। राग खमाज का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग खमाज का आरोह इस प्रकार है। सा ग म प द नि सा। अवरोह इस प्रकार है। सा नी द प म ग रे सा। सा प्रस्तुत है राग खमाज की पकड़। प द म ग ग म नि द प म ग रे सा। राग खमाज
आइए अब सुनते हैं राग खमाज पर आधारित चैती। चैती की बंदिश के बोल हैं, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्रगटे चारों भैया। बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा। लखन भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, प्रगटे चारों भैया हो रामा, प्रगटे चारों भैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा। नृप दशरथ अति मुदित भय सुनी, नृप दशरथ अति मुदित भय सुनी, कंचन दे तो लुटैया हो रामा, कंचन दे बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा। पूर्वासीन सब मुदित दिखावत, पूर्वासीन सब मुदित दिखावत, अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा, अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया हो रामा, बाजे रे अवध में बधैया जीरे अवध में बधैया हो रामा, बाजीरे अवध में बधैया हो रामा, बाजीरे अवध में बधैया हो रामा, बाजीरे अवध में बधैया हो रामा। संगीत
भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब प्रस्तुत है चैती की रचना, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ, और राग है खमाज। बजरे अवध में बधैया हो रामा, बजरे अवध में बधैया हो रामा, बजरे अवध में बधैया हो रामा, बजरे अवध में बधैया हो रामा। राम लखन भरत शत्रुघ्न, राम लखन भरत शत्रुघ्न, प्रगटे चारों भैया हो राम, प्रगटे चारों भैया हो राम, बजर अवध में बधैया हो राम, बजर अवध में बधैया हो। दशरथ अति मुदित भय सुनी, नृप दशरथ अति मुदित भय सुनी, कंचन देत लुटैया हो रामा, कंचन देत लुटैया हो रामा, बजर अवध में बधैया हो रामा, बजर अवध में उर्वासीन सब मुदित दिखावत, अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा, अबीर गुलाल उड़ैया हो रामा, बजर अवध में बधैया हो रामा, बजर अवध में बधैया हो रामा, बजर अवध में बधैया हो रामा। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है
विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है चैती की रचना की धुन, पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और चैती का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। चैती राग मिश्र खमाज। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंखरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र रामप्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।